सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू अनदर वीडियो। ओके गाइस, तो GTA 5 एंड माइनक्राफ्ट के बाद सबसे ज्यादा जो पॉपुलर गेम हुआ है वो है पोकेमोन। एंड ये गेम पहले सिर्फ पीसी पे हुआ करता था, बट आज के टाइम में काफी सारे पोकेमोन गेम को मोबाइल में प्ले कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो आज बात करने वाला हूं इसी टॉपिक के ऊपर। सो आज बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट पोकेमोन गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेज। ओके, तो इन सारे गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपिनियन देखने को मिलता है, कई सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस देखने को मिलेगा, एंड इस गेम में आप काफी सारी तगड़ी तगड़ी मिशन भी कर सकते हो। सो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए इन सारे गेम के बारे में जानते हैं। एंड उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या ही करो यार, फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इन सारे गेम का डाउनलोडिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जहां से आप बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। वेट, एक चीज तो बताना भूल ही गया गाइस, आप इन सारे गेम को फुल वॉच करिएगा, क्योंकि एक या दो गेम देख के जज नहीं कर सकते कि आपके लिए बेस्ट पोकेमोन गेम कौन सा होने वाला है। तो चलिए देखते हैं टॉप 10 बेस्ट पोकेमोन गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेज। ओके गाइस, तो इस सीरीज का 10th रैंक का गेम निकल के आता है पोकेमोन लव स्टोरी। ओके, तो इस गेम में आपको एक अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ एक बहुत बड़ा ओपिनियन देखने को मिलेगा, एंड इस गेम में आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग प्लेसेस भी देखने को मिलता है। ओके, तो एक एक करके सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में जानेंगे। एंड यहाँ पे गेम का कंट्रोल वो सच में काफी इंप्रेसिव निकल के आता है। ओके वेट, यहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे शॉप भी देखने को मिल रहा है, जहाँ से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। एंड यहाँ पे फिलहाल मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है। इस गेम में मिशन कंप्लीट करने के बाद आपको काफी सारा कॉइन मिलेगा, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा फार्मिंग एंड क्राफ्टिंग प्लेस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फार्मर वर्क कर रहे हैं। फिलहाल मेरे काम के यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो कोई नहीं गाइस, फिलहाल आगे चल के देखते हैं। ओके, तो इस गेम में आपको अलग अलग टाइप के पोकेमोन कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि आपके मिशन में हेल्प करेगा। एंड फिलहाल ये हेल्प करने की बजाय मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, मेरे पीछे पीछे आके। चलो कोई नहीं गाइस, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इसे 10th रैंक पर रखा गया। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो इस सीरीज का 9th रैंक का गेम निकल के आता है ड्रैकोमोन मॉन्स्टर। ओके, तो एक मॉन्स्टर टाइप गेम है, जहाँ पे आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग मिशन करने को मिलेगा। एंड इस गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपिनियन देखने को मिलता है। ओके, फिलहाल यहाँ पे मैं साइकिल भी ड्राइव कर सकता हूँ। इस गेम में आपको और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग व्हीकल ड्राइव करने को मिलेगा। एंड ये रहा मेरा पोकेमोन, जो कि कछुए के शेप में है। ऑलराइट गाइस, तो फिलहाल मुझे देखना होगा कि इस गेम में क्या कुछ मिशन करने को मिलता है। ओके गाइस, तो फिलहाल मैं इस पोकेमोन सिटी के इंटरेस्टिंग से शॉप पे आ चुका हूँ, जहाँ पे काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। ओके, यहाँ पे कोई सा केमिकल सेल हो रहा है, एंड इस केमिकल का क्या ही काम होगा। ओ वेट, शायद से मैं इस केमिकल से पोकेमोन क्रिएट कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं गाइस, फिलहाल इसे बाय करते हैं। फिलहाल मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है। ओके गाइस, तो फिलहाल मुझे यहाँ से काफी गंदी तरीके से निकाला गया। ऑलराइट गाइस, तो देखते हैं इस गेम में क्या कुछ मिशन करने को मिलता है, तभी मैं इस सिटी में काफी सारी चीजें बाय कर पाऊंगा। ओके, यहाँ पे हॉस्पिटल भी देखने को मिल रहा है, बट अभी ना गाइस मुझे इस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना है। ऑलराइट गाइस, तो गेम सच में काफी तगड़ा होने वाला है। इस गेम में आपको एक बेस्ट स्टोरीलाइन भी देखने को मिलेगा, सो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस, इस सीरीज का 8th रैंक का गेम निकल के आता है पोकेमोन यूनाइट। ओके गाइस, तो इस गेम के बारे में जितना तारीफ करो वो मेरे लिए कम ही होगा। ओके, तो इस गेम में आपको काफी सारी पोकेमोन कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिसके पास अलग अलग टाइप के सुपर पावर होते हैं, जिसको आप अपने मिशन में इजीली यूज कर पाओगे। ओके, इस गेम में आपको एक अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ एक बहुत बड़ा सा ओपिनियन देखने को मिलता है। एंड इस गेम में आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा। चलो कोई नहीं, देखते हैं फिलहाल इस गेम में क्या कुछ करने को मिलता है। ओके वेट, यहाँ पे काफी सारी सुपर पावर देखने को मिल रही है। ओके गाइस, तो आप इस गेम में अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज भी कर सकते हो, जिसमें आपको काफी सारी फेस शेप देखने को मिलेगा, अलग अलग टाइप के ढोले सोले देखने को मिलता है। ओके, फिलहाल ये मुझे गेटअप सही लगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल इसे ट्राई करते हैं। एंड इस गेम में आपको काफी सारी फाइटिंग स्किल्स भी देखने को मिलेगा। ओके गाइस, फिलहाल इस हाथी ने मुझे काफी परेशान करके रखा है, एंड इसकी ना भी मैं ऐसी की तैसी करूंगा, मतलब काफी गंदी तरीके से मारूंगा। ऑलराइट गाइस, तो ऑलमोस्ट ये मर चुका है। चलो कोई नहीं, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। वेल गाइस, इस सीरीज का 7th रैंक का गेम निकल के आता है पॉकेट ट्राई जिनयूरियस। ओके गाइस, तो इस गेम का नेम तो सच में काफी अजीब है, जो कि बोलने में काफी टफ है। चलो कोई नहीं, इस गेम में आपको एक अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ एक बेस्ट स्टोरी लाइन देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल यहाँ पे मैं अपना कैरेक्टर भी कस्टमाइज कर सकता हूँ, जहाँ पे अलग अलग टाइप के फेस शेप एंड सूट देखने को मिल रहा है। ओके गाइस, तो इस गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपिनियन देखने को मिलता है, एंड इस गेम में आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग मिशन करने को मिलेगा। ओके गाइस, फिलहाल यहाँ पे मैं अपने पोकेमोन को एनमी के पोकेमोन से फाइट करवा रहा हूँ। इस गेम में आपको कुछ इसी टाइप का मिशन करने को मिलेगा, एंड इस गेम में आपको काफी सारी पोकेमोन कैरेक्टर मिलता है। एंड एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम होने वाला है, जहाँ पे अपने फ्रेंड के साथ गेम प्ले कर सकते हो, मिशन कर पाओगे, एंड उसके साथ डांस भी कर सकते हो। सो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इसे 7th रैंक पे रखा गया है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ओके गाइस, तो इस सीरीज का 6th रैंक का गेम निकल के आता है पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू। ओके, तो ये गेम पीसी पे काफी फेमस है, एंड आप इस गेम का मूड वर्जन मोबाइल में प्ले कर सकते हो। ओके, तो इस गेम में आपको गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी से लेके इसका गेमिंग फीचर्स तक सारा कुछ बेस्ट निकल के आता है। बट फिलहाल इस गेम में आपको कोई भी मिशन करने को नहीं मिलेगा,
आप इस गेम में सिर्फ सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिलहाल इस गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपन देखने को मिलेगा जिसमें कई सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस है जिसको आप इजीली एक्सप्लोर कर सकते हो। सो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो सीरीज का फिफ्थ रैंक का गेम निकल के आता है मून स्क्वाड। ओके, तो ये एक बेस्ट मिशन मारा पोकेमोन गेम होने वाला है। इस गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी वो आपको एक अलग ही लेवल का देखने को मिलेगा एंड ये कुछ कुछ एडवेंचर टाइप गेम ही होने वाला है। ओके वेट, यहाँ पे काफी सारे पोकेमोन कैरेक्टर देखने को मिल रहा है एंड आप अपने पोकेमोन कैरेक्टर से एनमी के पोकेमोन कैरेक्टर की कैसी की तैसी कर सकते हैं। चलो कोई नहीं, यहाँ पे काफी खतरनाक फाइट चल रहा है एंड ये रहा मेरा पोकेमोन कैरेक्टर जिसके पास कई सारी सुपर पावर है एंड इसने तो एनमी को काफी बुरी तरीके से मारा। चलो कोई नहीं गाइस, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इसे फिफ्थ रैंक पे रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस, इस सीरीज का फोर्थ रैंक का गेम निकल के आता है ट्रेनर ऑफ मॉन्स्टर। ओके गाइस, तो अगर आपको माइनक्राफ्ट गेम खेलना पसंद है जहाँ पे आप माइनिंग एंड क्राफ्टिंग करने के साथ ही पोकेमोन कैरेक्टर का भी यूज कर सकते हो तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस गेम में आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग मिशन करने को मिलेगा। ओ वेट, ये कौन सा जानवर है एंड साइज ये कोई बर्ड है? चलो कोई नहीं, इसको भी काफी गंदी तरीके से मारते हैं एंड यहाँ पे और भी काफी सारे कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, तो ये गेम सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे काफी सारे कैमरा व्यू एंगल भी देखने को मिल रहा है एंड गेम का कंट्रोल आपको बेस्ट मिलता है। चलो कोई नहीं, आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। तो सीरीज का थर्ड रैंक का गेम निकल के आता है इन्फिनाइट लेजेंड। ओके, तो क्या आप लोगों ने बचपन में कार्टून देखा है? वेल, सबने देखा होगा एंड मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ। ओके, तो इस गेम में आपको कार्टून टाइप ग्राफिक्स क्वालिटी देखने को मिलेगा एंड आपकी बचपन की यादें ताजा होने वाली है। ओके, फिलहाल यहाँ पे मैं अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं गाइस, फिलहाल देखते हैं इस गेम में क्या कुछ मिशन करने को मिलता है। ओके, तो एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है जिसको आप अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो। वेट, ये रहा मेरा पोकेमोन कैरेक्टर। सो गेम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए बढ़ते सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। सो गाइस, इस सीरीज का सेकंड रैंक का गेम निकल के आता है पोकेमोन मॉन्स्टर। ओके, तो अगर आपको पोकेमोन मॉन्स्टर टाइप गेम खेलना पसंद है तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इस गेम में आपको काफी सारी पोकेमोन कैरेक्टर मिलेगा जिसके पास अलग अलग टाइप के सुपर पावर होता है। ओके, फिलहाल मेरे पास एक अजीब टाइप का जानवर है जो कि काफी सारी कैरेक्टर का यूज कर सकता है। चलो कोई नहीं गाइस, फिलहाल इसकी ऐसी की तैसी करते हैं, मतलब इसके कैरेक्टर की। ओके वेट, यहाँ से ये तो गायब हो गया। ओके, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीरीज की नेक्स्ट गेम की तरफ। वेल, इस सीरीज का फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक का गेम निकल के आता है पोकेमोन लेजेंड। ओके गाइस, तो अगर आप लेजेंड है तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। वेट, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसे कोई भी प्ले कर सकता है। ओके, तो इस गेम में आपको एक बहुत बड़ा ओपन देखने को मिलेगा, कई सारे इंटरेस्टिंग मिशन करने को मिलता है। ओके, फिलहाल यहाँ पे बहुत सारी कैरेक्टर भी देखने को मिल रहा है एंड ये एक स्टोरी लाइन गेम है। वेट, यहाँ पे मॉन्स्टर टाइप एनिमी भी है जिससे हम लोग फाइट ले सकते हैं गेम के मिशन में। इस गेम में आपको काफी सारी इंटरेस्टिंग मिशन करने को मिलेगा। ओके गाइस, तो ये गेम कुछ कुछ ओपन वर्ल्ड एडवेंचर टाइप गेम की तरह लगता है लेकिन इस गेम में आपको पोकेमोन देखने को मिलता है जिससे ये गेम और भी काफी तगड़ा होने वाला है। बट वेट, फिलहाल ये गेम लॉन्च नहीं हुआ है, आप इस गेम को प्ले करने के लिए कुछ टाइम वेट कर सकते हैं। ओके, तो इन्हीं सारी चीजों के ऊपर इसे फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक पे रखा गया है। ऑलराइट गाइस, तो ये रहे टॉप 10 बेस्ट पोकेमोन गेम फॉर एंड्रॉइड डिवाइसेस। आई होप ये सारे गेम आप लोगों को पसंद आए हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या ही करो यार, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो एंड इन सारे गेम में से आपको बेस्ट गेम कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर एंड गुड बाय।